सभी व्यूअर्स का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में, जहां पे खास अंदाज के अंदर द हिंदू के एडिटोरियल्स को पोस्ट मॉडर्न करके ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को हम दुरुस्त बनाते हैं। फटाफट से उसी अंदाज में आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल को हम लेंगे, विच इज जस्टिस डिसीजन। सभी से मैं आपको अपील करूँगा, अगर आप इस क्लास का सबसे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हो ना, तो क्या करना है आपको, पहले इसको खुद पढ़ करके आना है। अभी आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रखा है सबसे ऊपर, इस एडिटोरियल को डाउनलोड कर लें, उसके बाद खुद पढ़ें, 15-20 मिनट आधा घंटा दें, फिर इस वीडियो पे आएँ अगर आपको ज़रूरत लगे तो। मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए हूँ यहाँ पे, हल्का सा धक्का भी दूंगा उस रास्ते पे, पर आपके साथ सफ़र में नहीं चल सकता, आपके साथ एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठ सकता। कोशिश करेंगे खुद पढ़ने की, ये वादा मुझसे करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के लिए और जिन चीज़ों में आपको दिक्कत आई उन जो है ना सेंटेंसेस को समझने के लिए। करें डिसीजन विच इज़ डिजास्टर्स, ऐसा फैसला जो डिजास्टर भरा है, ऐसा फैसला जिसमें बड़ा तूफान है। डिजास्टर इज अ नाउन, नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं। देखो वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव्स एक जैसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी फॉर्म चेंज होती हैं और उनका फंक्शन एंटायरली अलग होता है। डिजास्टर नाउन है ना, उसी से मैंने पीछे OUS लगा के ई को निकाल के डिजास्टर्स बना दिया, अब ये बन गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बनने का मतलब क्या है, डिजास्टर्स मेरे भाई बिना नाउन के कभी नहीं आएगा। डिजास्टर मिल जाएगा आपको नाउन पे, नाउन के बिना किसी दूसरे पर, डिजास्टर्स बिना किसी दूसरे नाउन के आपको नहीं मिलेगा। देखते हैं किसने किसको कर दिया डिसीजन, कैसा डिजास्टर डिसीजन दे दिया। कह रहे WHO मस्ट नॉट बी विक्टिमाइज्ड, 4 टर्म्स ऑन फेलियर्स इन बैटलिंग द वायरस। कह रहे WHO जो है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए, उसको निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। अच्छा किसके लिए, ट्रंप साहब के खुद के फेलियर्स के लिए, ट्रंप की खुद की नाकामयाबियों के लिए। अच्छा किस चीज़ में, इन लगा के बता रहा है, बैटल करने में, झगड़ा करने में, कॉम्बैट करने में इस वायरस से। तो वायरस से जो लड़ने में, डील विद करने में जो नाकामयाबी रही, उसके लिए WHO को जो है ना बलि का बकरा मत बनाओ, विक्टिमाइज मत बनाओ। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें कई सारी हैं, पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपको बता दिया, आपने उसको पकड़ भी लिया होगा। ग्रीन सब्जेक्ट है, पिंक वर्ब है, सारे एडिटोरियल में इसी तरह से मैंने आपको किया हुआ है। ये होती है आधी जंग, सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना। अब आ जाओ बाकी आधी जंग पे, इस एडिटोरियल की इस लाइन के पीछे कौन से ग्रामर रूल्स छुपे हैं। देखो विक्टिम मतलब शिकार, विक्टिमाइज मतलब शिकार बनाना। आप में से ज़्यादातर लोग जो नूब्स हैं ना, जो न्यूबीज हैं, जो अभी भी इंग्लिश को सीख रहे हैं, वो शुरुआती दौर में समझ नहीं पाते ये विक्टिम और विक्टिमाइज अलग अलग वर्ड्स क्या हैं या क्या है। देखो वर्ड्स एक ही है, ये दोनों विक्टिम और विक्टिमाइज एक ही रूट से निकले हैं, दोनों का मतलब भी एक ही है, पर दोनों में फ़र्क ये है, ये विक्टिम एक नाउन और विक्टिमाइज है एक वर्ब। वर्ब से नाउन बनता है, नाउन से वर्ब बनती है, वर्ब से एडजेक्टिव बन जाता है, नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है, आपस में एक इंटरलिंक्ड जाल है इनका, वेब है हर वर्ड का। हर वर्ड को आप ले लो, उसका नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म उसी वर्ड से निकलती है। इनके काम अलग अलग होते हैं, जैसे ही हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स इन हिज ऑफिस, ही हैज़ बीन विक्टिमाइज बाय द पॉलिटिक्स इन हिज ऑफिस। दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, एक के अंदर हमने इसको नाउन की तरह यूज़ किया है, दूसरे में इसको हमने हैज़ बीन की मेन वर्ब बना दिया। अगर आप ग्रामर को सीखना चाहते हैं और एडिटोरियल से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपका गलत डिसीजन है। एडिटोरियल ऑलराउंडर गेम है ये। ऑलराउंड गेम कब है, जब आपकी ग्रामर थोड़ी सी बेसिक लेवल से अच्छी है ना। बेसिक ग्रामर के लिए एडिटोरियल पढ़ करके बहुत फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, रीडिंग से फ़ायदा मिलेगा, एडिटोरियल से नहीं मिलेगा। कोशिश करें, मैंने बेसिक ग्रामर को बेसिक से ही उठाया है ना, 10वीं 8वीं के बच्चे से जैसे समझना चाहता है ना, उस तरीके से समझाया। एनिमेटेड वीडियोज़ हैं यहाँ डाल रहा हूँ, बेसिक ग्रामर को वहाँ से कवर करें और अपनी रीडिंग स्किल्स को और उन रूल्स को रिवाइज करें इस एडिटोरियल वीडियोस पे आकर के मेरे साथ। बढ़ते हैं अपने आगे, एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है कि ट्रंप साहब ने अपने देश के अंदर कोरोना से लड़ने की नाकामयाबी के कारण गुस्सा होकर के सारा गुस्सा उतार दिया WHO पे। WHO को बोला, आप तो चाइनीज़ लोगों के साथ इस चाइनीज़ वायरस को फैलाने के लिए जो है ना उनका साथ दिया आपने, आपकी वजह से हज़ारों लोग हमारे यहाँ मर गए, आपकी जो फंडिंग है, पैसा है, मैं आज से रोकता हूँ, एक पैसा आपको नहीं दूंगा। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है ट्रंप साहब, अगर पहली चीज़ चाइना की गलती है तो WHO को सजा मत दो, चाइना को सीधे पकड़ो। दूसरी चीज़, WHO ने शुरुआत से अगर आप देखोगे तो गलतियाँ कम की हैं और अच्छे काम ज़्यादा किए हैं, इसने सब अच्छे काम बताए हैं उसके, कि इसने हर जगह आपको जो है ना इशारा करने की ज़रूरत जो है आपको इशारा दिया था। गलतियाँ आपकी हैं, आपने लॉकडाउन अपने देश में नहीं किया,
अब आपके इस फंडिंग काट देने से क्या होगा, आप दुनिया के गरीब देशों को मार दोगे जहाँ पे WHO काम कर रहा है। ऐसा काम मत करो, आपके यहाँ तो लोग मर रहे हैं हज़ारों में, अब लाखों में मरेंगे अगर WHO के पास पैसा ख़त्म हो गया तो। एक छोटी समरी को आप लिखने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में डालें। अगर आप रोज़ समरी को लिखेंगे 10 दिन करके देखो, आप 10वें दिन आपका पेन खुद ब खुद चलने लगेगा। यही मेरा मकसद है आपको समरी लिखवाने का। लिखो, मैं कुछ सजेस्ट करूँगा आपको, कोशिश करूँगा सजेस्ट करने की। करें एट अ टाइम when the World Health Organization has been seeking at least $675 million additional funding for crucial response efforts in countries most in need during the pandemic, US President Trump has done the unthinkable। सेंटेंस लंबा है, छोटे छोटे पीस लेकर के इसको अपने पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, अच्छा कैसा वक्त कह रहा, when, जब, जो ये WHO नाम की संस्था है ना, जिसके आगे हमें द लगाना होता है, हर इंस्टीट्यूशन के आगे, ऑर्गेनाइजेशन के आगे हम द लगाते हैं। कह रहे जो द WHO है वो सीक कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, मांग रहा है, कोशिश कर रहा है पाने की। अच्छा किस चीज़ को, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम इतने रुपयों को, $675 मिलियन को। अच्छा और कैसे पाने की कोशिश कर रहा है इसको, एडिशनल फंडिंग के तौर पे, ज़्यादा फंडिंग के तौर पे, ठीक है ना। और क्यों, अब देखो फोर लगा के बता रहा है, क्रिटिकल रिस्पॉन्स एफर्ट्स के लिए, बहुत ही गंभीर प्रतिक्रिया के कोशिशों के लिए, और कहाँ पे, कह रहा उन कंट्रीज़ में जो कि मोस्ट इन नीड है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। और कब, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान। कह रहा ऐसे एक वक्त जब WHO ऐसा काम कर रहा है। अच्छा ऐसे वक्त हुआ क्या, कह रहा US प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, ये ट्रंप साहब जो हैं, हैज़ डन द अनथिंकेबल, ये कर चुके हैं एक अनथिंकेबल सी काम, एक ऐसा काम कर चुके हैं जिसको सोचा नहीं जा सकता। ये देखो हाइफन लगा के बताएगा क्या काम है, हॉल्टिंग फंडिंग टू WHO वाइल अ रिव्यू इज कंडक्टेड टू असेस इट्स रोल इन सिवियरली मिसमैनेजिंग एंड कवरिंग अप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। काम है होल्ड करने का फंडिंग को, पैसे को, इस WHO नाम की संस्था को, और तब वाइल, तब जब एक रिव्यू जो है ना कंडक्ट किया जा रहा है, एक रिव्यू को पैसिव वॉइस में लगाया जा रहा है असेस करने के लिए, जायजा लेने के लिए इसके रोल को। अच्छा किसके रोल को, WHO के रोल को, WHO की भूमिका को, और किसमें, बुरे तरह से मिस हैंडल करने में, मिस मैनेज करने में, और पर्दा डालने में, कवर अप करने में फैलाव को कोरोना वायरस के। अच्छा और क्या करने में, और फेल होने में, फॉर फेलिंग, नाकामयाब होने में किस चीज़ को, टू एडिक्वली ऑब्टेन वेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, पर्याप्त तौर पे पाना, वेट करना, जांच करना और शेयर करना इंफॉर्मेशन को। अच्छा कब और कैसे, कह रहे इन अ टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट फैशन, एक ऐसे फैशन में, एक ऐसे अंदाज में जो टाइमली है, वक्त पे है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। देखो सेंटेंस है इतना लंबा, इतना लंबा है ना, इतना लंबा, ये सेंटेंस लंबे आएंगे आपके एग्जाम में भी। ऐसा मत सोचना इसने लिखा द हिंदू ने, मेरे को तो नहीं आएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी आएगा। इसको एक पढ़ने का तरीका है, जो मैंने आपके अभी सामने आपको मैंने डिमोन्स्ट्रेट किया, उसी तरीके से मैं सारे पीसीज को जोड़ रहा हूँ। कह रहा ऐसे एक वक्त पे जब WHO मांग रहा है कम से कम इतने पैसों की एडिशनल फंडिंग को क्रिटिकल रिस्पॉन्स एफर्ट्स के लिए, बहुत ही गंभीर प्रतिक्रियात्मक कारणों के लिए, जो है कोशिशों के लिए, उन देशों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत में है इस पेंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान, ऐसे एक वक्त, कह रहा US प्रेसिडेंट ने ऐसे एक वक्त कर दिया है ऐसा काम जो अनथिंकेबल है, जो कि है रोक देना फंडिंग WHO नाम की संस्था को। और कब फंडिंग रोकना, वाइल, जब एक रिव्यू कंडक्ट किया जा रहा है असेस करने के लिए इसकी भूमिका को। अच्छा अब इसकी भूमिका को कहाँ असेस करेंगे, किस चीज़ में असेस करेंगे, बुरे तरीके से मिसमैनेज करने में और पर्दा डालने में इस वायरस के स्प्रेड को, और नाकामयाब रहने में, पर्याप्त तौर पर ऑब्टेन करने में, वेट करने में, इसकी एग्जामिनेशन करने में और शेयर करने में इंफॉर्मेशन। ना तो वेट कर पाया, ना ऑब्टेन कर पाया, ना शेयर कर पाया सूचना को, इन्फॉर्मेशन को, और टाइमली वक्त पे और ट्रांसपेरेंट फैशन में एकदम पारदर्शिक तौर पर, समझ गए ना। कह रहा है कि जब तक ये रिव्यू तुम नहीं करवा दोगे ना, जब तक ये रिव्यू तुम नहीं करवा दोगे, ट्रंप कह रहा है मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा तुमको, मेरे को पूरा शक है तुम पे, ना तो तुमने इन्फॉर्मेशन हमें दी और चाइना का साथ दिया आपने, सिविली मिसमैनेज किया और कवर अप किया स्प्रेड को वायरस के। समझ गए सेंटेंस को, पहला मेरा मकसद था आपको इसका मतलब समझाना। अब आ जाओ इसके पीछे की ग्रामर में, जो चीज़ें अपने लेसन इससे ले सकते हैं।
देखो एडिशनल, कल मैंने आपको बताया था फर्दर वर्सेस फादर का कॉन्सेप्ट, बताया था ना, फादर मतलब ज़्यादा दूर, फर्दर मतलब एडिशनल। फर्दर को आप फादर की जगह भी लगा सकते हो, ज़्यादा दूर के लिए भी आप फर्दर लगा सकते हो। आई कैन नॉट वॉक फर्दर, मैं और एडिशनल नहीं चल सकता। फादर मतलब ज़्यादा दूर नहीं चल सकता, एडिशनल मतलब फर्दर ज़्यादा आगे नहीं चल सकता। अब एडिशनल की जगह यहाँ फर्दर लगा हो सकता था, पहला कहने का मतलब ये। अगर आपका पेपर का क्वेश्चन होता है तो मैं यहाँ फार्दर आपको लगा के देता, फार्दर फंडिंग फॉर क्रुशियल एफर्ट्स, आपको फार्दर को बदलना था फर्दर के अंदर। मोस्ट इन नीड क्या बता रहा है यहाँ पे, कंट्रीज के बारे में बता रहा है। कौन सी कंट्रीज है विच आर मोस्ट इन नीड, कौन सी कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा जरूरत के अंदर है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है मोस्ट इन नीड यहाँ पे। अच्छा यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, अच्छा होल्डिंग क्यों आया यहाँ पे, होल्ड क्यों नहीं आया यहाँ पे, स्टॉप भी तो आ सकता था ना, स्टॉपिंग क्यों आया, होल्डिंग क्यों आया, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक काम किया है जो कि एक ऑब्जेक्ट ही बन सकता है। मैंने एक काम किया, मैंने कोई भी काम करूं वो जो मैं हैज़ डन लगा करके उसके बाद जो काम लिखूंगा वो एक नाउन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ नाउन प्रोनाउन और जेरेंट बनते हैं। होल्ड जो है एक वर्ब है, वर्ब को मुझे इस हैज़ डन को देख करके होल्डिंग में बदलना पड़ा, कहने का मतलब ये होल्ड में लिखा होता तो यहाँ पर गलत हो जाता। ठीक, मिस मैनेजिंग एंड कवरिंग अप, कवरिंग अप मैं आपको बता दूँ क्या होता है, किसी चीज़ पर पर्दा डालना, जब आप मर्डर कर देते हो उसके बाद अपने हाथ धोते हो, लाश को ठिकाने लगाते हो, वो काम होता है कवर अप करने का। इसको आप हश अप भी बोलते हो, आप इसको हाइड करना भी बोलते हो, दोनों इसके सिनोनिम है। ठीक है ना, ये मिसमैनेजिंग और कवरिंग अप में आईएनजी फॉर्म फिर से उसी लिए आ रही है क्योंकि अपने पास इन प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे दोनों के दोनों ये वर्ड्स हैं। बड़े आगे वेट करना होता है किसी चीज़ को, देखो वेट वर्ड है, इसके दो मीनिंग है, पहला तो होता है वेट मतलब एक नाउन, वेटरन ओल्ड या एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना, उसको बोलते हैं वेटरन, ही इज़ अ वेट, वो एक ओल्ड आदमी है, एक्सपीरियंस आदमी है, वेटरन आदमी है। दूसरा ही इज़ वेटिंग समथिंग, वो किसी चीज़ को एग्जामिन कर रहा है, जायजा ले रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, किसी चीज़ की लुक इनटू या स्क्रूटनी कर रहा है, समझ गए ना। वर्ब फॉर्म में वेट मतलब किसी चीज़ का जायजा लेना, नाउन फॉर्म में वेट मतलब एक इन एक्सपीरियंस्ड या ओल्ड आदमी। बढ़े आगे, देयर द डिसीजन कम्स अ वीक आफ्टर ही फर्स्ट थ्रेटन टू पुट फंडिंग ऑन होल्ड फॉर द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। ये जो खास डिसीजन है ना, द क्यों लगा इसके आगे, हम बात कर चुके हैं इस डिसीजन की पहले, उसी डिसीजन को फिर से हम उठा रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं जिसकी बात कर चुके हैं, खास जो फैसला है वो आता है एक वीक के बाद में। अच्छा किसके, जब ही फर्स्ट, उसने पहले थ्रेटन किया, सबसे पहले जब उसने चुनौती दी, धमकी किस चीज़ की थी, पुट कर देने की फंडिंग को होल्ड पे, फंडिंग को सस्पेंड कर देने की, फंडिंग को एक बार की साइड में रख देने की, और किसके लिए, इस पूरी दुनिया की ग्लोबल हेल्थ बॉडी के लिए। तो एक हफ्ता पहले उसने धमकी दी थी, आज उसने इस डिसीजन को ले लिया, कहने का मतलब ये। अब यहाँ पे एक फ्रेज आया है पुट समथिंग ऑन होल्ड, आपको अगर इसको याद करना हो, आप फ़ोन करते हो किसी को या कोई आपको फ़ोन करता है, बोलता है अपनी मम्मी से बात कराओ, तो आप क्या बोलते हो, होल्ड रखो एक बार। आप उसको ये बोल रहे हो फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ के होल्ड करके रखो या लाइन पे होल्ड रहो आप, है ना, बस वही होता है पुट समथिंग ऑन होल्ड। किसी चीज़ को जब आप होल्ड पे डाल देंगे ना, तो आपने उस चीज़ को वेट करवा रहे हो, अभी सस्पेंड कर दिया अभी हाल फिलहाल के लिए, आगे उसको देखोगे, है ना। तो यूएसए ने भी फंडिंग को होल्ड पे डाल दिया है। चलो कह रहा है एड ओवर 500 मिलियन, द US इज़ WHO's बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। कह रहे 500 मिलियन से ज़्यादा पे, एट ओवर 500 मिलियन से ज़्यादा पे, जो द USA है ना वो WHO का सबसे बड़ा भागीदार है, कॉन्ट्रीब्यूटर है। अब देखो कैसे करेगा, कैसे भागीदार है, अमेरिका इज़ ऑल्सो द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री, ओवर 0.6 मिलियन केसेस एंड नियरली 26,000 डेथ्स। फिर अमेरिका जो है ना, साथ ही साथ ऑल्सो वो क्या है, सबसे बुरे तरीके से द वर्स्ट वे में अफेक्टेड कंट्री है, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, और कैसे, मोर देन 0.6 मिलियन केसेस यहाँ पे आ गए हैं और कम से कम 26,000 डेथ्स आ गई है। इस सेंटेंस में एक देखने वाली चीज़ है ये सेमी कोलम, आपके दिमाग में सवाल आएगा इसको लगाने की क्या जरूरत है। सेमी कोलम आपको तब लगाना होता है जब दो सेंटेंसेस जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लिखे जा सकते हैं, बीच में फुल स्टॉप लगा के आप सेमी कॉलम लगा के दोनों के बीच में किसी रिलेशन की तरफ, है ना, पॉइंट पॉइंट आउट करते हो, तब आप सेमी कॉलम लगाते हो। इन सेंटेंसेस को बिना सेमी कॉलम के लिखा जा सकता है, यहाँ एक पॉइंट आउट, यहाँ पे ना एक जो लग सकता है फुल स्टॉप लग सकता है, पर आप सेमी कॉलम लगा के कोई रिलेशन बता रहे हो। जैसे मैं आपको बोलूँ गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, अब दूसरा सेंटेंस क्या बता रहे हो आप गंगा के लिए, गंगा इज ऑल्सो द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। अब आप क्या करना चाह रहे हो, इन दोनों के बीच में आप जो है ना छोटा सा एक जो है रिलेशन पॉइंट आउट करना चाह रहे हो, आप क्या बोलोगे, गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया सेमी कोलम इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री। अब आप क्या बता रहे हो, ये एक ऐसी कंट्री है, अब आपने आयरनी बता दी यहाँ पे,
ऐसी एक रिवर है जो सबसे होली भी है और सबसे पोल्यूटेड भी है। समझ रहे हो मेरी बात को? दो सेंटेंसेस को आप एक साथ जोड़ करके कोई रिलेशन बताते हो, बीच में कोई आयरनी दिखाते हो ना, तब आप सेमीकोलन लगाते हो। अब देखो यहाँ पे कह रहे ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और सबसे बुरी तरह से प्रभावित कंट्री भी अमेरिका ही है। ध्यान रखें इन चीज़ों का, सेमीकोलम्स कैसे यूज़ करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बड़ा पार्ट है पंचुएशन। दूसरी चीज़ बिगेस्ट, आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री है, पर जब जब उससे पहले कोई पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो आपको क्या करना है, द को निकाल देना है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाना है, जब जब कोई पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन आपके पास हो। बढ़ते आगे, कह रहे बट होल्डिंग फंडिंग एट अ क्रूशियल टाइम विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोबल बॉडी बट ऑल्सो हर्ट ह्यूमैनिटी। कह रहा लेकिन होल्ड करने का काम है ना जो फंडिंग को, रोक देने का काम है जो फंडिंग को, ऐसे एक क्रूशियल टाइम पे, ऐसे एक मुश्किल वक्त में, कह रहा ये ना केवल इम्पैक्ट करेगा और किसको, फंक्शनिंग को, काम करने के तरीके को, किसके, इस ग्लोबल बॉडी के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। कह रहा ना केवल ये काम करेगा बल्कि हर्ट करेगा पूरी मानव जाति को, ह्यूमैनिटी को। समझ गए ना, सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाएंगे। छोटी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नए नाम की एडवर्ब आती है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर मुझे इसमें नए यूज़ करना होता, अभी अगर इसको यूज़ करना होता तो ये क्या करता, इस नॉट ओनली को यहाँ से निकाल देता और इस बट आल्सो की जगह रख देता नए, तो सेंटेंस ऐसा बनता, बट होल्डिंग फंडिंग एट अ क्रूशियल टाइम विल इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबल बॉडी ने हर्ट ह्यूमैनिटी, है ना। ऐसे ही सेंटेंस बना होता ना तो आपका दिमाग घूम जाता है, ये ने बीच में क्या कर रहा है। बट नॉट ओनली बट ऑल्सो की एक जो है ना एब्रीवेटेड फॉर्म होती है ने, पर इसका रखने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। कह रहा मैनी लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज दैट लुक अप टू WHO फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस एंड इवन फॉर इसेंशियल्स सच एज टेस्टिंग किट्स एंड मास्क विल बी बैडली हिट फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। कह रहे बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास इनकम जो कंट्रियाँ हैं ना, जो कि ऐसी कंट्रियाँ जो कि लुकअप टू करती हैं, किसी की तरफ उम्मीद से देखती हैं, बहुत आशा से देखती हैं। अच्छा, कौन सी, किसकी तरफ देखती हैं, WHO की तरफ, और किस चीज़ के लिए, दिशा निर्देशों के लिए, गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए और सलाह के लिए। कह रहे और यहाँ तक कि इसेंशियल्स के लिए, ज़रूरी चीज़ों के लिए, जैसे कि टेस्टिंग किट और मास्क। कह रहे ऐसी जो है ना छोटी इनकम वाली कंट्रियाँ विल बी बैडली हिट, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगी, और क्यों, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, अपने किसी भी फॉल्ट के कारण नहीं, उनके किसी भी गलती के बिना वो होने वाली हैं प्रभावित इस फंडिंग के रुक जाने के कारण। इस सेंटेंस में ग्रामर टॉपिक है, फटाफट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उससे पहले इस फ्रेजल वर्ब को देख ले, लुक अप टू। लुक अप टू मतलब करना क्या होता है, किसी की तरफ निगाहें उठा करके देखना तरसते हुए। लुक अप टू करने का मतलब ऐसा ही होता है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ किसी की तरफ देखते हो या उम्मीद के साथ किसी की तरफ देखते हो, तब आप करते हो लुक अप टू। इसका बिल्कुल उल्टा होता है लुक डाउन अपॉन, किसी की तरफ आप ऐसे ही निगाहों से देखते हो ना, ये तो मेरे से बहुत छोटा है, अरे ये तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करते हो लुक डाउन अपॉन। दोनों अपोजिट फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स मैं सब आपको खबरी पे करवा चुका हूँ, खबरी अपनी एक अलग ऐप है जिसमें आप मेरे साथ फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रपोजिशंस और आजकल idioms सीख रहे हो। अगर ज्वाइन करना आपका बाकी है, ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, सीधे मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे आप। चलिए, अब ग्रामर कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपने पास, ध्यान से पहले ना स्क्रीन को रोक देना, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस है ना, इनमें देख करके मुझे बताना क्या आपके पास एरर है, उसके बाद आऊँगा मैं उस एरर पे, वो एरर क्या है। पहले आप कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। चलो, जिन्होंने कोशिश नहीं की हो ज़रूर करना, कोशिश करने वालों में कभी हार नहीं होती। फटाफट से शुरू करेंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, फिर मैं एरर सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, लास्ट में क्विज भी है। जो लोग सीधे स्किप करना चाहते हैं, क्विज के आंसर सीधे सीधे बता दें मुझे, कमेंट सेक्शन में डाल के आगे बढ़ जाएं। देखो केस ये कहता है, हर प्रोनाउन के 4 केस होते हैं, 3 नहीं 4 केस होते हैं। पहला केस होता है सब्जेक्ट की जगह जो प्रोनाउन आएगा, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट की जगह जो आएगा। ये आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला केस, आज इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं वो प्रोनाउन जब जब पजेसिव केस के अंदर आएगा तब अपने उसका क्या बनाएंगे। अब देखो ये होता क्या है, देयर कार इज फास्टर देन अस। पहले तो इस आप में से बताओ, इसमें से कितने लोगों को एरर दिखी, देयर कार इज फास्टर देन अस, उनकी कार हमसे तेज है, हमारी कार से तेज है उनकी कार, इज फास्टर देन अस, है ना, सही है ना सेंटेंस। भाई मेरे सेंटेंस गलत है, एडजेक्टिव वीडियो में आपको बता चुका हूँ, गलती पहली ये है, हमने कार को किससे कंपेयर किया है, देन लगा के किया हमारे से, कार को तो कार से कंपेयर करना है ना, गधे को गधे से करेंगे, घोड़े को घोड़े से करेंगे, तो कार हमारे से कैसे तेज हो सकती है, कार तो हमारी कार से तेज होगी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आवर कार, देयर कार इज फास्टर देन आवर कार। समझ गए मेरी बात को,
पहला कॉन्सेप्ट तो पिछला वाला मैंने उठाया आपको, कॉन्सेप्ट तो मेन अब आएगा आगे। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है, अभी मैंने कार के आगे अवर लगा के बताया हमारी कार, ये पजेसिव केस है ना, पजेसिव एडजेक्टिव वाला केस, वो यही काम करता है। वी से अवर बनता तो बन जाता है हमारा, आई से माई बनता तो बन जाता मेरा, यू से योर बनता तो मतलब तुम्हारा, ही से हिज बनता तो मतलब उसका, शी से हर बनता मतलब उस लेडी का, दे से देयर बनता है मतलब उनका, और इट से इट्स बनता है मतलब इसका, समझ गए, पजेसिव एडजेक्टिव केस। अब इसकी खासियत क्या है, माई योर हिज हर देयर और इट्स की, ये एडजेक्टिव है। अब मैंने आपको पहले बताया था एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आ सकता, तो अवर लिखा है ना, इसके बाद में कार तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे आवर लिख दिया तो कार आपका नहीं लिखा तो ये सेंटेंस गलत है। देयर कार इज़ फास्टर देन आवर, ये काम हो जाएगा गलत, ये काम सही नहीं है। अच्छा करें क्या, अगर इसको सही करना हो, पेपर में आपसे पजेसिव प्रोनाउन केस पूछेगा, वो आपको पजेसिव एडजेक्टिव देकर के पजेसिव प्रोनाउन बनवाएगा। और वो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब जब पजेसिव एडजेक्टिव को आपको अलग बिल्कुल किसी नाउन से इंडिपेंडेंट लिखना है ना, तो आपको क्या करना है, उसको प्रोनाउन कैसे बदल देना है। जैसे माई है ना, तो आप माइन लिख दो, माइन के आगे किसी आपको दूसरे नाउन को लगाने की जरूरत नहीं है। माई कार और माइन जो है ना, दोनों एक ही बात बता रही हैं आपको। जैसे यहाँ पे और है, और आवर को मैं लिख सकता हूँ आवर्स। अब यहाँ पे मैं आवर कार है ना, आवर कार, देखो आवर कार, इसकी जगह मैं यूँ भी लिख सकता हूँ आवर्स। अब ये आवर्स लगाने का मतलब क्या हुआ, हमारी वाली से उनकी कार तेज है। यहाँ पे कार नहीं लिखा ना तो भी अंडरस्टूड है, इस कार को मैंने यहाँ पे समझ लिया है अपने आप। पर अगर मैं यहाँ आवर लगा दूँ तो मुझे कार लिखना पड़ेगा, ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट। इस लिस्ट को आप नोट कर लें, माई का माइन, योर का योर्स, हिज का हिज चेंज नहीं होता है, हर का हर्स, देयर का देयर, और का आवर्स, है ना। अब इसी फॉर्मूला के ऊपर अपने बाकी के सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, देखते जाओ कैसे सॉल्व करना है। आवर कार को मैं क्या लिख सकता हूँ, आवर्स, ठीक है ना। चलो, पीटर्स हाउस इज ह्यूज वाइल आवर स्मॉल, पीटर का घर बड़ा है, बहुत बड़ा है, ह्यूज है, जबकि हमारा छोटा है। ध्यान से देखो तो क्या लिखा मैंने, आवर इज स्मॉल। यार आवर तो पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी बिना हाउस के आएगा, एडजेक्टिव कभी बिना नाउन के आएगा, तो मुझे यहाँ क्या लगाना है, वाइल आवर हाउस इज स्मॉल। अच्छा अगर ये ना लगाऊँ तो मुझे आवर को बदल देना है आवर्स के अंदर, मैं अगर ऐसा लिख दूँ वाइल आवर्स इज स्मॉल तो भी काम चल जाएगा, समझ गए। हर टी शर्ट इज़ ब्राइटर देन माई, उसकी टी शर्ट ज़्यादा चमकीली है मेरी से। अच्छा मेरी से चमकीली है तो बात ठीक है, पर माई से क्या मैं मेरी बता सकता हूँ, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में मुझे टी शर्ट लिखना पड़ेगा, इसका अकेले कोई वजूद नहीं है। हर टी शर्ट इज़ ब्राइटर देन माई टी शर्ट, इसका वजूद तब है जब इसको मैं प्रोनाउन केस में बदल दूंगा, मैं ऐसा लिख दूंगा माइन, तो ये सेंटेंस सही है। हर टी शर्ट इज़ ब्राइटर देन माइन, तब मुझे माई टी शर्ट की रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट दो में भी यही करना है, हर इज़ अ लो पेइंग जॉब एंड हिज इज़ क्वाइट हाई पेइंग, उसकी जो है एक लो पेइंग जॉब है और उसकी जो है उस आदमी की वो बहुत हाई पेइंग जॉब है। अब देखो यहाँ पे हर आ गया, हर तो कैसे आया, अकेला आया, अकेले तो आ नहीं सकता, मैं क्या बनूँगा, हर्स, हर्स is a low paying job while his is quite high paying। अब इसका his का his is मत बना देना, his का his ही रहता है, possessive pronoun बनाओ चाहे possessive adjective बनाओ, ये चेंज नहीं होता है। शिवा's argument was stronger than माया, शिवा के argument माया से ज़्यादा strong थे, बात गलत है, माया के argument से ज़्यादा strong हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ लगाना है माया's arguments। अब अगर आपके पास pronoun की जगह कोई noun आ जाए ना, उसका पजेसिव केस आप कैसे बनाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनेगा मेरे भाई, इस आर्ग्यूमेंट्स को आप यहाँ से निकाल दो, और अगर आप ऐसा लिख दो तो भी चलेगा, शिवास आर्ग्यूमेंट्स वर स्ट्रोंगर देन मायास, इससे आप समझ जाओगे माया के आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है। इसको फॉर्मल राइटिंग में ज़्यादा नहीं लिखते हैं, शायद आपसे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएगा, वो आपको प्रोनाउन में फंसाएगा, नाउन्स के अंदर नहीं फंसाएगा। अगर इसको समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तीन क्वेश्चंस हैं, नहीं समझो तो इसको रिपीट कर लेना, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ऐसे टुच्चे नहीं हैं, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिप्लाई कर पाएंगे। लास्ट में अपने वीडियो के सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर लोग सीख गए होंगे। कह रहा हूँ विद अ लिटल ओवर 2 मिलियन केसेस एंड ओवर 127,000 डेथ्स ग्लोबली द पेंडेमिक हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड इन स्केल। कह रहा के साथ ही विद अ लिटल, थोड़े से, अ लिटल मतलब थोड़े से 2 मिलियन से ऊपर केसेस के साथ ही, और 127,000 डेथ्स के साथ दुनिया के अंदर ग्लोबली, कह रहा है इसके साथ ही, ये जो पेंडेमिक है ना, ये जो खास बीमारी है, महामारी, हैज़ बीन वो बन गई है या रही है अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी चीज़ जो आज तक नहीं हुई, और किस में, स्केल में, लेवल में, ऐसे लेवल की महामारी आज तक हमारी रिटर्न हिस्ट्री के अंदर कभी भी नहीं आई। कह रहे आगे बढ़ें, कह रहा वेन सॉलिडारिटी
एंड अनमिटिगेटेड सपोर्ट फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट इज नेसेसरी टू विन द वॉर अगेंस्ट द वायरस विद होल्डिंग फंडिंग विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री द US इंक्लूडेड। कह रहा है जब एकता सॉलिडारिटी जब यूनिटी जो है यूनिजन जो है और अनमिटिगेटेड सपोर्ट है, ऐसा सपोर्ट जो बिल्कुल भी अडल्ट्रेटेड नहीं है, बिल्कुल भी जो है इनप्योर नहीं है, है ना, ऐसा सपोर्ट जिसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है, समझ गए ना। तो कह रहा है जब एकता और निस्वार्थ सपोर्ट हर मेंबर स्टेट का नेसेसरी है जीतने के लिए इस वॉर को वायरस के खिलाफ, कह रहा है विदहोल्ड करना फंडिंग को, रोके रखना पैसे को नहीं होने वाला, विल नॉट बी बेस्ट इंटरेस्ट में किसी भी कंट्री के, भलाई में किसी भी देश के, जिसमें US भी शामिल है, अमेरिका को भी इंक्लूड किया हुआ है। समझ गए सेंटेंस को। वर्ड्स आए यहाँ पे दो, पहला है अनमिटिगेटेड। देखो मिटिगेट मैंने आपको बताया था किसी के दुखों में कमी करना, है ना, किसी को राहत पहुंचाना, मिटिगेट करना। मिटिगेट का एक दूसरा काम भी होता है, वो भी उससे मिलता जुलता ही है। आप किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं ना, दूध में पानी मिलाते हैं, एसिड के अंदर कोई और चीज़ मिला देते हैं, उसकी आप जो है इन्फ्लुएंस को कम करते हैं, उसकी पावर को कम करते हैं ना, उसको भी कहते हैं मिटिगेट करना, किसी चीज़ को शांत कर रहे हैं आप, है ना। तो अनमिटिगेटेड मतलब जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, एकदम प्योर हो। अच्छा, मिलावट वाली चीज़ को एडल्ट्रेटेड बोलते हैं, इसलिए अनअडल्ट्रेटेड हो गया जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो भी इसका सिनोनिम हो गया। तो ऐसा यूनिजन और ऐसी अनमिटिगेटेड सपोर्ट हमें चाहिए, प्योर सपोर्ट चाहिए हर मेंबर स्टेट का। विदहोल्ड मैंने आपको कल ही बताया था, शायद कल या परसों बताया था, विद मतलब साथ में, होल्ड मतलब पकड़े रखना, अपने पास किसी चीज़ को पकड़े रखना, विदहोल्ड कर देना। अभी USA यही कर रहा है, पैसों को पकड़ के रख दिया है, कह रहा है नहीं दूंगा WHO को। कह रहा है फेलियर्स ड्यू टू द ओवरसाइट और अदर रीजंस बाय WHO और मेंबर स्टेट्स कैन ऑलवेज बी लुक्ड इन टू बट नॉट इन द मिड्स्ट ऑफ अ पैंडमिक। कह रहा है जो नाकामयाबी है ना, वो किस कारण से, एक तो ओवरसाइट के कारण से, एक तो चूक के कारण से, ओवरसाइट मतलब चूक के कारण से, और दूसरे किसी रीजन से। कह रहा है और किसके द्वारा, WHO के द्वारा या उसकी मेंबर स्टेट्स के द्वारा। कह रहा है जो फेलियर्स है ना, वो कभी भी लुक इनटू किए जा सकते हैं, वो कभी भी देखे जा सकते हैं, उनके अंदर कभी भी छानबीन की जा सकती है। कह रहा बट नहीं बीच में एक पेंडेमिक के, एक महामारी के। कह रहा अभी जब जरूरत है पैसे की तब मत करो ये काम, ये कर लेना बाद में जब ये बीमारी शांत हो जाए, तब आप इन फेलियर्स को जो है ना असेस करना। सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें आई हैं, दो नहीं एक्चुअल में तीन आई हैं। ओवरसाइट वर्ड है, दो इसके मीनिंग है और बिल्कुल उल्टे। पहला काम है किसी की निगरानी करना, किसी के ऊपर साइट रखना, नज़र रखना। निगरानी करते हो ना, किसी के ऊपर साइट रखते हो आप, है ना, जैसे मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, उसकी ओवरसाइट में आप काम करते हो, उसकी निगरानी में काम करते हो। दूसरा क्या है, आपकी नज़र से कोई चीज़ जो है छूट गई, आपकी साइट्स के साइट जो है ऊपर से निकल गई, ओवर निकल गई किसी चीज़ के, समझ गए ना, किसी चीज़ को आपने देख करके भी नहीं देख पाए, आपसे चूक हो गई, वो भी ओवरसाइट है। अब देखो दोनों मतलब का, दोनों जो इसके मीनिंग है बिल्कुल उल्टे जैसे हैं एक दूसरे से, फिर भी वर्ड एक ही है, दोनों को ये जो है डिनोट करता है। आपको अपने कॉमन सेंस से बताना है क्या आप यहाँ पे डिनोट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे फेलियर किससे आएंगे, निगरानी से आएंगे, चूक से आएंगे, भाई चूक से ही आएंगे फेलियर्स, इसलिए ओवरसाइट का मतलब यहाँ पे चूक है। कॉमन सेंस इस को रेयर मत बनाना, कॉमन सेंस को अपने साथ में रखना। दूसरी चीज़ लुक इनटू इज अ फ्रेजल वर्ब, आपको पता है किसी में स्क्रूटनी करना, जांच करना, एग्जामिनेशन करना, उसी को लुक इनटू करना कहते हैं। मिड्स का बहुत लोगों पे क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे मिड, मिडल, अमिड और अमिड्स क्यों नहीं आ सकता था, फटाफट बता देता हूँ, वैसे तो लंबा टॉपिक है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको पता लग जाएगा इस एक्सप्लेनेशन से। मिड होता है एक एडजेक्टिव, कभी भी बिना किसी एडवर्ब, बिना दूसरे नाउन के नहीं आएगा। मिड्स होता है एक नाउन, हमेशा किसी का ऑब्जेक्ट बन के आएगा या सब्जेक्ट बन के आएगा। मिडल होता है नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो, पर क्या है ये तब यूज होगा जब बीचों बीच की बात हो रही हो, इन मिडल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल सेंटर में, समझ गए ना, बीचों बीच। और अमेड्स एंड मेड्स जो हैं प्रपोजिशन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक पुरानी स्पेलिंग है, एक नई स्पेलिंग है, आपके हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है, जो एग्जाम आप देते हो दोनों के अंदर दोनों प्रपोजिशन हैं, पर इनके बाद में नाउन्स आएंगे, इनके पहले जो है ये किसी जो है नाउन की जगह पर नहीं आ सकते। अब यहाँ पर अगर आप छोटी सी चीज़ पूछूँ मैं आपसे, इनके बाद में मिड्स से क्यों लगाया, यहाँ पे मिड से क्यों लगा, इनके है भाई प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट, इनमें से कौन कौन सा नाउन है, मिड्स नाउन है, अच्छा मिडल नाउन है। पेंडेमिक के क्या बीचों बीच हैं क्या, हम ऐसा है क्या आधी पेंडेमिक निकल गई आधी बाकी है, ऐसा कुछ काम तो हुआ नहीं, तो मिडल वाला नाउन तो हम ले नहीं सकते, बचा क्या मिड्स, यहाँ पे इसलिए मिड नहीं लगा, ना मिड लगा, ना मिस लगा, ना मिडल लगा, समझ गए ना। फॉर्मूलाज पे चलो, पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ करके बहुत इजी हो जाएगी इंग्लिश आपके लिए। करेक्ट, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मिस्टर ट्रंप क्लेम्स, WHO के नॉट इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट बट कैन ओनली रिलाई ऑन इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल उससे उल्टा।
अनलाइक वट मिस्टर ट्रंप क्लेम्स, बिल्कुल उससे कॉन्ट्रावेंशन में, बिल्कुल उससे उल्टी बात के हिसाब से, जो WHO ना वो नहीं इंडिपेंडेंटली, नहीं स्वतंत्र तौर पे इन्वेस्टिगेट कर सकता, नहीं वो छानबीन कर सकता है, बल्कि रिलाई कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रह सकता है इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स पे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। समझ गए ना, WHO की इतनी ताकत ही नहीं है जो किसी बड़े कवरअप को वो कर जाए मेंबर स्टेट्स की मिलीजुली के बिना, उनके बीच में आए बिना। समझ गए, रिलाई करता हूँ उन पे। WHO की दो वर्ब्स आई हैं, पहली है कैन नॉट इन्वेस्टिगेट और दूसरी है कैन ओनली रिलाई। कह रहा देयर हैज़ नॉट बीन वन इंस्टेंस व्हेन इट हैज़ बीन फाउंड। कह रहे वहाँ नहीं रहा है एक भी इंस्टेंस, एक भी एग्जांपल, एक भी ऐसी अकरेंस नहीं हुई है जब ये पाया गया है, इट हैज़ बीन फाउंड। और क्या फाउंड करता हुआ पाया गया, कवरिंग अप द एपिडेमिक इन चाइना, कवर अप करता हुआ, पर्दा डालता हुआ इस एपिडेमिक पे चाइना के अंदर, इस महामारी के ऊपर। एक भी ऐसा मौका हमें नहीं मिला जहाँ हमें ऐसा लगा हो WHO ने इसको कवर अप किया। इट हैज़ बीन फाउंड में इट कौन है मेरे भाई, चाइना ट्रंप नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे इट लगा है WHO के लिए, बात WHO की हो रही है, समझ रहे हो ना। कह रहा है रादर बजाय इसके, इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली अर्जिंग कंट्रीज टू एग्रेसिवली टेस्ट पीपल इन एग्जिबिटिंग सिम्टम्स। कह रहा है रादर बजाय इसके ये कंटिन्यूसली लगातार अर्ज कर रहा है कंट्रीज को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में गुजारिश कर रहा है सब देशों को, एग्रेसिवली वो टेस्ट करें उन लोगों को, कौन से लोग जो एग्जिबिट करते हैं, जो दिखा रहे हैं ऐसे सिम्टम्स को, ऐसे निशानों को। अच्छा और क्या अर्ज कर रहा है, कह रहा है ट्रेस करें, क्वारंटीन करें, पकड़ के लाएं और पकड़ के रखें, और क्या करें, टेस्ट करें कॉन्टैक्ट्स को कंटेन करने के लिए, स्प्रेड को, उनके मिलने जुलने वालों को टेस्ट करें स्प्रेड को, फैलाव को रोकने के लिए। कह रहा है बिल्कुल उल्टा कर रहा है इसका WHO, तो शुरुआत से यही कह रहा है लोगों को पकड़ो, टेस्ट करो, क्वारंटीन करो और ट्रेस करो उनके कॉन्टैक्ट्स को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसलिए बोल रहा हूँ, टेंस मत भूल जाना, बहुत दिन हो गए टेंस की वीडियो करवाए हुए, ऐसा ना हो कि टेंस भूल जाओ, टेंस को पढ़ते रहना बीच बीच में, नोट करते जाओ टेंसेस को, भूलना नहीं है। कह रहा है इट रिपीटेडली स्पोक ऑफ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड वंस वॉन्ड दैट इट इज़ नैरोइंग। कह रहा है बार बार से रिपीटेडली इसने बोला WHO ने ये बात की, किसकी, उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की, उस मौके की, खिड़की की। और कह रहा है वंस एक बार वॉन भी किया, क्या वॉन किया, कि ये जो इट है ना, ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है नैरो हो रही है, सिकुड़ती जा रही है। कल देखा था ना नैरोइंग विंडो, वो जो इसने बनाया था वो WHO की बात सुनकर के बनाया था अपने एडिटोरियल, वो एडिटोरियल का टाइटल है ना नैरोइंग विंडो। अगर बार बार ये इसने बात भी की है कि एक विंडो है, एक मौका है जो आपके हाथ से निकलता जा रहा है इस वायरस को पकड़ करके रखने का। कह रहा हिस्टोरिकली इतिहास के ऊपर नज़र डालें, ऐतिहासिक रूप से WHO हैज़ बीन अगेंस्ट ट्रैवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग आउटब्रेक्स। जो WHO है ना वो हमेशा से रहा है, और क्या रहा है, खिलाफ रहा है वो, और किसके, ट्रैवल और ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस के, यातायात पर, घूमने फिरने पर और व्यापार के ऊपर पाबंदियों के, और किसके खिलाफ पाबंदियाँ, उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो एक्सपीरियंस कर रही हैं आउटब्रेक्स को, बीमारियों के फैलाव को। हिस्टोरिकली WHO हमेशा ये कहता है कहीं बीमारी आ जाए तो वहाँ जाना मत छोड़ना, उस कंट्री से व्यापार करना मत छोड़ना। कह रहा और इसकी जो पोजीशन है ना, एंड इट्स पोजीशन, जो स्टैंड इसने लिया वो क्या था, नो डिफरेंट, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था, बिल्कुल भी अलग नहीं था। अच्छा कब, कह रहा व्हेन इन जनवरी इट डिक्लेयर्ड COVID-19 अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। जब जनवरी में इसने डिक्लेयर कर दिया इस वायरस को ये वाली चीज़ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, पूरी दुनिया के लिए जो है हेल्थ के ऊपर एक बड़ा खतरा, समझ गए ना। कह रहा है हमेशा से WHO यही कहता रहा है बीमारी हो उस कंट्री में जाना आप बंद ना करें, समझ गए। इस सेंटेंस पे देखने वाला कुछ है नहीं इसलिए मैं इसको ग्रामर को नहीं उठा रहा हूँ, उसको आगे देखते हैं। कह रहा है बट इट डिड सपोर्ट्स चाइनाज लार्ज मिटिगेशन मेजर्स टू कंटेन द वायरस स्प्रेड। लेकिन इसने सपोर्ट किया, इट डिड सपोर्ट, इसने किया सपोर्ट चाइना के बहुत बड़े लेवल के मिटिगेशन मेजर्स को, राहत के कदमों को कंटेन करने के लिए वायरस के स्प्रेड को। कहने का मतलब ये है, ट्रंप ये कहता है जब बीजिंग में, जब वुहान में वायरस आया था तो आपने क्यों नहीं बोला वुहानियों को और हम सबको नहीं बताया कि वुहान में मत जाओ। कह रहा आज तक WHO ने कहा ही नहीं किसी को, हमेशा यही कहता है आया वायरस चला जाएगा, इलाज कर रहे हैं, उस कंट्री को घाटा मत होने दो, वहाँ पे खूब ट्रैवल करो आप, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। कह रहा आज तक ही नहीं कहा इसने, अब वुहान के क्यों पीछे पड़े हो तुम। पर कह रहा देखो इसने जब चाइना बड़े स्केल पे मिटिगेशन मेजर्स ले रहा था, वुहान में लॉकडाउन कर रहा था, तो इसने उसको सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं है इसको जो है छुपा करके
करके और आपको कह रहा हो कि कुछ नहीं हुआ वुहान में, सपोर्ट किया इसने खुले तौर पर। कह रहा फॉल्टिंग WHO फॉर इमेजिनरी फीलिंग्स कैन नॉट हेल्प मिस्टर ट्रंप। फॉल्ट करना WHO को, दोष गिनना WHO के ऐसे नाकामयाबी हो के जो इमेजिनरी हैं, जिनको आपने अपने दिमाग में गढ़ रखा है, इमेजिन कर रखा है। कह रहा है ये जो फॉल्ट करने का काम है ना, दोष देने का काम हेल्प नहीं कर सकता ट्रंप साहब को। और किस काम में? वॉश करने में, उसके हैंड्स को, हाथों को अपने साफ करने के में। और किस में? मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स टू कंटेनिंग द जो है एपिडेमिक। बहुत सारे जो प्रशासनिक नाकामयाबियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स आए हैं कंटेन करने में इस एपिडेमिक को, इस बीमारी को। फॉल्ट देने से आपकी जो आपकी नाकामयाबियाँ हैं उनसे आप हाथ नहीं छुड़ा सकते, पल्ला नहीं छुड़ा सकते। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हेल्प वर्ब का है, कई दिन हो गए बताए हुए, कहीं भूल ना जाएं आप। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हेल्प ऐसी वर्ब है जो अपने बाद क्या करेगी, यहाँ पे एक टू इन्फिनिटिव भी ले सकती है, हेल्प प्लस में टू प्लस में वी वन। अच्छा, दूसरा काम क्या कर सकती है, हेल्प अपने बाद में सीधे सीधे वी वन भी ले सकती है, बेयर इन्फिनिटिव भी ले सकती है। तीसरा क्या है, हेल्प प्लस में इन प्लस में एक जेरेंड भी ले सकती है ना, तीनों काम कर सकती है। अच्छा, एक और काम करती है, हेल्प प्लस जेरेंड सीधे सीधे भी ले सकती है। आप कोई भी सेंटेंस उठा लो, चारों तरीके से आप बना सकते हो। आई विल हेल्प हर टू राइट टू प्ले द गिटार, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हो। अब इस टू प्ले को आप चेंज कर दो सीधे सीधे प्ले के अंदर, आई विल हेल्प हर प्ले द गिटार, आई विल हेल्प हर इन प्लेइंग द गिटार, और आई विल हेल्प हर प्लेइंग द गिटार। एक ऐसी हेल्प वर्ब है, बड़ी खतरनाक सी वर्ब है, इसको याद रखना आप हमेशा। यहाँ पे यही हुआ है, कैन नॉट हेल्प मिस्टर ट्रंप, वॉश सीधा बेयर इन्फिनिटिव लगा हुआ है बिना टू के, ऐसा होता है। कह रहा है ही हैज बिन ब्लेमिंग एवरीवन एल्स फॉर हिज शॉर्ट कमिंग्स। कह रहा है वो ब्लेम करता आ रहा है, कौन, ट्रंप साहब ब्लेम करते आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हर एक को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स के लिए, अपनी लैकुनास के लिए, अपनी नाकामयाबियों के लिए डील विद करने में, निपटने में COVID-19 से। कह रहे बट लेकिन मूविंग बियॉन्ड ब्लेमिंग एंड एक्चुअली विदहोल्डिंग WHO फंडिंग कैन हैव डिजास्टर आउटकम्स। लेकिन मूव बियॉन्ड करना, और पार चले जाना ब्लेम करने से, और वास्तव में विदहोल्ड कर देना WHO की फंडिंग को, पार खाली भौंकना ठीक है, आपने काट भी लिया। कह रहा है ये जो काम है ना कैन हैव डिजास्ट्रस आउटकम्स, इसके आउटकम्स बहुत डिजास्ट्रस हो सकते हैं। बात कर लो कोई बात नहीं, ब्लेम कर लो कोई बात नहीं, वास्तव में पैसे रोक दिए, अब बड़ा डिजास्ट्रस आउटकम नतीजे इसके आ सकते हैं। आउटकम आप जानते हैं, आउट प्लस कम मतलब किसी चीज़ का नतीजा। कह रहा इफ इंडीड ही फर्वेंटली बिलीव्स दैट द US हैज बीन मिसलेड, इट इज चाइना दैट ही मस्ट होल्ड रिस्पॉन्सिबल। कह रहा इफ इंडीड वास्तव में रियल में वो बड़े जोश के साथ ये बिलीव करता है, जोरों शोरों से उसका ये विश्वास है कि US जो है ना उसको मिसलीड किया गया है। हैज़ बीन बस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, US को गलत राह दिखाई गई है। तो कह रहा है ये वो चाइना ही है, इट इज चाइना, कह रहा है वो चाइना ही है जिसको दैट ही मस्ट होल्ड रिस्पॉन्सिबल, जिसको इसे रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए फॉर अ डिलेड अलर्ट, एक देरी से आने वाले अलर्ट के लिए। कह रहा WHO गलती नहीं है, चाइना ने WHO को देरी से बताया तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना आपको, है ना। फर्वेंटली वर्ड मैंने आपको बता दिया, जोरों शोरों के बहुत सारे सिनोनिम हैं, सीरियसली, अनेस्टली, वाइगरसली, पैशनेटली, एंथुजियास्टिकली, अर्डेंटली, जेलसली लिख लो आगे, है ना, सबके सब मतलब एक ही है, बहुत आप में जील है, एंथुजियाजम है, पैशन है किसी काम को करने का। कह रहा प्रीवियसली ही प्रेस्ड बोथ चाइना एंड WHO, पहले उसने प्रेस किया दोनों चाइना और WHO को, कर चुका है वो ये काम, दोनों को एडमायर, दोनों को एक्सॉल्ट, दोनों की प्रशंसा कर चुका है, अपलोड कर चुका है। कह रहा ऑब्वियसली बिल्कुल साफ साफ द चेंज इन लाइन, जो उसकी लाइन में चेंज आया ना, जो चेंज उसके स्टांस में आया, पोजिशन में आया, इज लिंक्ड टू, वो लिंक्ड टू है या वो अलाइंट विद है, किसके साथ, अ डेस्परेट बिड, एक ऐसी बिड, एक ऐसी कोशिश के साथ जो डेस्परेट है, हताश है, और किस काम को करने की, टू हाइड हिज ऑन फेलियर्स, अपनी फेलियर्स को हाइड करने की, कवर अप करने की, हश अप करने की। मैंने वो वोकेबुलरी यूज़ की है जो आपने मेरे साथ इस एडिटोरियल में देखी अभी, है ना। कह रहा वास्तव में प्रेस तो करने के बाद अभी जो इसने अपना स्टांस चेंज किया है वो टोटली अलाइंड विद लिंक्ड है उस डेस्परेट होप के साथ, बिड के साथ, जो कि कवर अप करने की है उसके जो फेलियर्स,
जैसा नाकामयाबियों को। सिंपल सा एडिटोरियल था, आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोग जो है कामयाब रहे होंगे, इसमें शॉर्ट कमिंग नहीं देखी होगी उन्होंने इसको पढ़ने के अंदर। ज़रूर से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर इसकी समरी और जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट शेयर किया आज पजेसिव एजेसिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस का, उसके आंसर्स डालें। कोशिश करता हूं मैं जिनके गलत आंसर होते हैं उनको रिप्लाई करने का, हार्ट डालता हूं ना जब भी, हार्ट किसी को मैं लाइक वाला हार्ट देता हूं उसका मतलब ये होता है ज़्यादा मुझे कुछ मिला नहीं तुम्हें सजेस्ट करने के लिए, यू आर ऑन योर जो है वे वेरी वेल। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो के लिए, साइनिंग आउट। खबरी में मिलूंगा शाम को 7:30 बजे, तब तक के लिए साइनिंग आउट।